वेलकम बैक टू माय लेक्चर। सी तीन नाम आईयूपीएसी में हमने जो किया वो क्या था, हमें स्ट्रक्चर दिया गया है और स्ट्रक्चर के बेस पे हमने क्या किया, नाम किया। अभी उल्टा है, अभी हम क्या करेंगे, नाम दिया है और आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर। मैं थोड़े से सिखा रहा हूँ, बाकी मैंने ये असाइनमेंट आपको दे रखा है तो ये असाइनमेंट से आपको सॉल्व करना है पूरा का पूरा। जैसे कि मैं थोड़े से फ्यू कर रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा है, इथेनॉल। तो एक और दो इथेनॉल मतलब CHO लगाओगे, यहां पे लग गया CH3। करेक्टर काफी इजी वाले भी दिए हुए, जैसे कि मैं ये वाला करवाता हूं तो आपको दिया 4-bromo-3-3-dichloro-2-nitropentane। अगर ऐसा दिया है तो उसका नाम कैसे देने का, पहले तो पेंटेन है तो 1-2-3-4-5 कार्बन लगा दो, कोई भी बॉन्ड मत लगाओ। एन है मतलब सब सिंगल बॉन्ड होंगे, ओके। फिर नंबरिंग आप लेफ्ट टू राइट, आप राइट टू लेफ्ट भी दे सकते हो बट लेफ्ट टू राइट दो इजी रहेगा, ओके। 4-bromo तो 1-2-3-4, 4 पे ब्रोमीन डाल दीजिए। 3-3-dichloro तो ये 3 है डाइक्लोरो, 2-nitro सब मेरा कवर हो गया। देन यू पुट द हाइड्रोजन अकॉर्डिंगली के बॉन्ड्स खत्म हुए, जैसे कि इसने एक बॉन्ड बनाया तो CH3, इसने तीन बॉन्ड बनाया तो CH, ये चारों के चारों बॉन्ड बना चुका है CH CH3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आर गेटिंग दिस। जैसे कि ये वाला है 3-hydroxy-4-nitro-pentane-1-nitrile, ऐसा दिया। तो हम एक काम करेंगे, पेंटेन मतलब 1-2-3-4-5, नाइट्राइल मतलब ये कार्बन को गिन लेना होता है, तो ये CN बन गया, 1 पे आ गया। फिर 3 पे हाइड्रोक्सी तो 1-2-3-3 पे हाइड्रोक्सी, 4-nitro एंड देन पुट द हाइड्रोजन अकॉर्डिंगली। करेक्ट और नॉट, समझ में आ रहा है कैसे करना चाहिए आपको, ओके। आपको कोई भी देते हैं, जैसे कि यहां पे ये दिया हुआ है हेक्स 1,4-diene तो 1-2-3-4-5-6, 1 पे डबल बोन, 1-2-3-4-4 पे डबल बोन, बाकी हाइड्रोजन लगा दो आप। सो दिस इज द वे, ये असाइनमेंट अभी आपको करना है, मैंने आपको दिया हुआ है, आपके साथ मेरे ट्यूटर भी रहेंगे, आप कंटिन्यू कीजिए।